किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की तरफ से डॉक्टर संतोष सिंह का नमस्कार। सयाजी सीड्स ने आपकी विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संकर धान की 3 किस्में विकसित की हैं। सयाजी सीड्स की संकर धान की ये 3 किस्में हैं, सयाजी 2011, सयाजी 2012 एवं सयाजी 2018। आइए देखते हैं सबसे पहले सयाजी 2011 की प्रमुख विशेषताएं। संकर धान की यह किस्म उन क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है जहां पानी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध है एवं लंबे समय तक के लिए उपलब्ध रहता है। किसान लंबी अवधि की एवं अधिक उत्पादन देने वाले हाइब्रिड की तलाश में रहते हैं, तो ये संकर धान की किस्म उनके लिए उपयुक्त है। सयाजी 2011 संकर धान 130 से 140 दिन में पक करके तैयार हो जाता है। इसका दाना मध्यम लंबा एवं मोटा होता है तथा साथ ही इसमें धान से चावल की प्राप्ति लगभग 70% तक होती है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी होगी। साथ ही यह किस प्रमुख रोगों एवं कीटों के प्रति सहनशील है। सयाजी सीड्स के शंकर धान की दूसरी किस्म 2012 यदि अवधि, उत्पादन क्षमता एवं दाने के प्रकार में 2011 के ही समान है, लेकिन इसमें जीवाणु जनित झुलसा रोग के प्रति सहनशीलता अधिक है। अतः उन क्षेत्रों में जहां जीवाणु जनित झुलसा रोग का प्रकोप होता है, वे किसान सयाजी की संकर धान की किस्म 2012 लगाएं। सयाजी सीड्स की संकर धान की तीसरी किस्म 2018 उन क्षेत्रों एवं किसानों के लिए है जिनके पास पानी की उपलब्धता लंबे समय तक नहीं रहती है, तो वे कम अवधि की 110 से 120 दिन में पकने वाली सयाजी की संकर धान की किस्म 2018 लगाएं। इस संकर धान का दाना मध्यम लंबा एवं पतला होता है तथा यह खाने में बहुत ही उत्तम क्वालिटी का है। अतः आप अपनी आवश्यकता अनुसार संकर धान की इन 3 किस्मों में से किसी भी एक का चुनाव करके आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। सयाजी सीड्स क्या है? सयाजी सीड्स 70 साल पुराने सयाजी ग्रुप की कंपनी है, जिसकी भारत की सबसे बड़ी कॉर्न वेट मिलिंग कंपनी है। कंपनी अपने मजबूत R&D सेटअप की मदद से मक्का, अरंडी, धान, गेहूं, कपास, मूंगफली, सोयाबीन और सब्जियों आदि के उन्नत बीज तैयार करती है। सयाजी के मुख्य उत्पाद कौन से हैं? सयाजी के मुख्य उत्पाद उन्नत किस्म के कपास, गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन, धनिया, मटर व भिंडी वगैरह के बीज हैं। यूपी के लिए संकर धान की कौन सी हाइब्रिड वैरायटी ठीक रहेगी? यूपी में सयाजी हाइब्रिड धान की तीनों संकर किस्मों 2011, 2012 और 2018 को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लगा सकते हैं। सयाजी संकर धान के पैकेट में यह सारी जानकारी अंकित होती है। सयाजी संकर धान 2011, 2012 और 2018 की विशिष्टताएं कौन सी हैं? सयाजी संकर धान 2011 और 2012 मध्यम अवधि में पकने वाली किस्म हैं। इन दोनों के दाने मोटे एवं मध्यम कद के हैं और प्रमुख रोगों और कीटों के प्रति सहनशीलता रखते हैं, जबकि सयाजी 2018 संकर धान 110 से 120 दिन में तैयार हो जाता है
और इसका दाना मध्यम, लंबा और पतला होता है। इन तीनों संकर किस्मों से 60-70% तक चावल मिलता है। रोग और कीट प्रतिरोधक प्रजाति कौन सी है? सयाजी 2011, 2012 और 2018 संकर धान की किस्म सभी रोगों और कीटों के प्रति सहनशील है और 2018 किस्म बैक्टीरिया ब्लाइट के प्रति प्रतिरोधक है। धान में जल्दी पकने वाली प्रजाति कौन सी है? सयाजी 2018 संकर धान किस्म 110 से 120 दिन में परिपक्व हो जाती है। सयाजी 2018 का दाना मध्यम, लंबा और पतला होता है। 60-70% तक चावल मिलता है। धान में पोषक तत्वों की कमी का प्रबंधन कैसे करें? अगर पौधे में पोषक तत्वों की कमी दिखाई दे तो पौधे पर सूक्ष्म पोषक तत्व 19-19-19 NP का मिश्रण और 6 सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि लोहा, मैग्नीज, बोरान, जस्ता, तांबा और मॉलिब्डेनम का छिड़काव करें। साथ ही 10 ग्राम प्रति लीटर यूरिया प्लस 20 ग्राम प्रति लीटर DAP प्लस 10 ग्राम प्रति लीटर MOP को धान में बाली आने के समय और 10 दिनों के अंतर पर स्प्रे करें। धान में कीट और रोग प्रबंधन कैसे करें? धान में कीट प्रबंधन के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8%, एसएल की 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर मात्रा या थियामेक्सोम 25% WB की 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ खेत में स्प्रे करें। रोग प्रबंधन के लिए प्रोपिनेप 70% WP को 2.0 ग्राम प्रति लीटर या प्रोपिकोनोजॉल 25% EC को 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। सयाजी धान 2011, 2012 और 2018 किस तारीख से मिलना शुरू होगा? सयाजी सीड्स अपने निकटतम विक्रेता से 1 मई से खरीदें।